जॉन से पूछते, जॉन आपकी जर्नी कैसी रही अब तक की? फर्स्ट टाइम मैं जब नादरा CNIC ऑफिस गया अपनी वालदा के साथ, तो नादरा CNIC ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप पर्सनल डिसेबिलिटी हैं, आपको CNIC जो है नॉर्मल CNIC नहीं बनेगा आपका। तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने शुरू से जो है विदाउट पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो है जॉब की अपना जर्नी लाइफ मेरी स्टडी उसके साथ ही रही, तो मुझे इतना पता नहीं था कि अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको जो है पर्सनल डिसेबिलिटी को डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया आगे ना आपने सिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। तो फिर मैंने कहा यार ये क्या सर्टिफिकेट है और ये क्या, फिर मैंने पूछा पर्सनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, मतलब मजदूरी सर्टिफिकेट। मैंने आज तक अपने आप को पर्सनल डिसेबिलिटी कहा नहीं, क्योंकि मेरे सारे काम इजीली हो रहे थे, तो मैं ये समझ रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। तो ऐसे ही जॉब्स आती रहीं, तो जहाँ जाता रहा तो वहाँ यही आ रहा था कि आपका डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे। कितना सही चलता रहा ये? तकरीबन फिर मैं डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नादरा सी अपने वहाँ पे गया सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ से मुझे रेफ़र किया आगे रणछोली साइन पे, उन्होंने वहाँ पर मुझे एक बोला कि आप वहाँ पे जाएं। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे आगे रेफ़र किया टेक्निकल सेंटर में, ये है अपना स्टार अपना फाइव स्टार चुरंगी की बैक साइड पर है, वहाँ पर उन्होंने भेजा कि वहाँ पर जाएँ। और वहाँ से फिर मेरा प्रोसेस हुआ, तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट जो है ना अपना आयशा मंजिल है उसकी बैक साइड पर एक PCR ऑफिस है, वहाँ जाएं। तो मैं मतलब यार ये डिसेबल सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुझे बहुत क्या अजाब है। और आप सोचिए कि आप तो फिर भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम करते रहे नॉर्मल रहे, जो कोई अगर ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ के अंदर हो उसके लिए तो अजाब हो जाता है प्रोसेस, तो मोबिलिटी भाग दौड़। फिर उसके बाद क्या हुआ? सो नाउ लास्ट टाइम उसके बाद मुझे मेडिकल बोर्ड मतलब सिंध गवर्नमेंट ने एक डेट दी 25 तारीख को, उन्होंने कहा कि 25 तारीख को आपने मेडिकल करवाना है, यहाँ पे आना है। और इतनी बड़ी लाइन, और आपको एक पता है कि हमारे डॉक्टर्स कैसे हैं, उन्होंने देख के उन्होंने बोला अभी बैठे हैं आप, तो मैं बैठा रहा। मैंने बोला चले मैं बैठ जाता हूँ। काफ़ी देर तकरीबन उन्होंने 9 बजे का कहा और तकरीबन 1 बज चुका था, क्योंकि वहाँ पे 1 बजे के बाद वो जो है मेडिकल नहीं होते। तो डॉक्टर ने करने के बाद उन्होंने कहा 25 दिन के बाद जो है ना आपने वहाँ से रिसीव करना है, ये अपना PCR ऑफिस है हमारे यहाँ पे, ये ऑफिस है वहाँ से रिसीव करना है। मैंने बोला अच्छा। वहाँ पर भी गया तकरीबन, मुझे 25 दिन के बाद गया तो मुझे तकरीबन 10 दिन उन्होंने डिले कर दिया, बोले अभी तक नहीं आया, वो स्टैम्प रह गई है। तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई एक डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए, तो मैं बहुत परेशान था और काफ़ी लोग, मैं परेशान था तो मेरे ऑफिस ही दूसरे लोग भी बहुत परेशान होंगे। ऑफ कोर्स हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी कि मेरा एक CNIC बनाने के लिए, बोले डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इतनी स्ट्रगल की, और CNIC के लिए मैंने बोला बाद में मुझे CNIC के लिए भी बहुत ज़्यादा मसले होंगे। तो ना बहुत ज़्यादा जो है मेरी ये बहुत जर्नी थी ये एक डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाने